एक खिलाड़ी जिसकी खूब चर्चा हो रही है, सारे कोच जो भी पूरे दुनिया के जो भी कोच हैं और जो खिलाड़ी हैं, बॉलर हैं खास करके, वो उस खिलाड़ी के बारे में ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं, खेल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा होगा किताबी स्ट्रोक खेलते हुए सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, केविन पीटरसन या फिर माइकल वॉन को। लेकिन ये जो क्रिकेटर स्ट्रोक लगा रहा है, कहीं भी किताबी स्ट्रोक में वो क्रिकेट के किसी भी किताब में इस तरह का स्ट्रोक नहीं है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूर्य कुमार यादव की। चमकता हुआ सितारा जिसे सब कोई देखना चाहता है, तारीफों के लोग पुल बांध रहे हैं। जस्ट मेरे बाएं साइड देखिए कि ये खिलाड़ी कैसे स्ट्रोक लगाता है, देखिए किस तरह से वेस्ट इंडीज का बॉलर बॉलिंग कर रहा है और जस्ट उनके पैरों के पास ये गेंद आती है और किस तरह से ये अपने अद्भुत क्षमता, 360 डिग्री कहा जा रहा है, इनकी तुलना एबी डिविलियर्स से की जा रही है। जरा ये वीडियो देखिए, 30 से 40 सेकंड का ये वीडियो है, जरा सूर्य कुमार यादव का ये स्ट्रोक देखिए। अद्भुत खिलाड़ी है, किताबी स्ट्रोक से हटके एक अलग स्ट्रोक है, जरा देखिए। ये है इस खिलाड़ी की क्षमता। जब इस खिलाड़ी की हम बात करते हैं 360 डिग्री की, जब बात करते हैं, चर्चाएं जब चलने लगी 360 डिग्री की, तो सूर्य कुमार यादव ने कहा कि 360 डिग्री जो है वो है, यानी कि एबी डिविलियर्स। एबी डिविलियर्स के बारे में हम बताएंगे कि किस तरह से वो स्ट्रोक खेला करते थे। जब उनका दिन हुआ करता था तो बॉलर बिल्कुल पूरी तरह से हताश दिखते थे, निराश दिखते थे, जिस तरह से एबी डिविलियर्स स्ट्रोक खेलते थे। जरा कुछ उनके भी स्ट्रोक आप देखिए, जस्ट मेरे बाएं साइड। Oh, you called it, Kev. Catch it. ये एबी डिविलियर्स के स्ट्रोक्स हैं, देखिए किस तरह से ये खिलाड़ी कुटाई कर रहा है खास करके गेंदबाजों की, और इसी तरह सेम खेलते थे जो कि खिलाड़ियों ने। एक तो किताबी स्ट्रोक होता है, फ्रंट फुट पे आपको कैसे खेलना है, बैक फुट पर कैसे खेलना है, और जिस तरह से पूरे अब देखिए T20 विश्व कप चल रहा है, भारत की तरफ से सबसे ज्यादा रन अगर किसी ने बनाया है तो विराट कोहली के बाद सूर्य कुमार यादव है। अभी अभी जो खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज आ रही है, पाकिस्तान फाइनल में पहुंच चुका है, 7 विकेट से उसने न्यूजीलैंड को हरा दिया है। कल का जो मैच है जो 1:30 बजे होगा इंग्लैंड से, इंग्लैंड के जो बॉलर हैं, जो खिलाड़ी हैं, चाहे बेन स्टोक हो, वो बता रहे हैं कि किस तरह से ये सूर्य कुमार जो यादव हैं वो प्रतिभा के धनी हैं, किस तरह से इनके पास स्ट्रोक्स हैं। चाहे आपने देखा होगा बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने किस तरह से स्ट्रोक्स लगाया, जो वाइड यार्कर गेंद थी जो आप स्टंप पे थी, उधर अपना बायां घुटना ले जाकर वो मोड़ते हैं और किस तरह से स्क्वायर लेग पर सिक्स लगा देते हैं। तो ये है प्रतिभा, ये है अद्भुत क्षमता, और इस समय T20 के वो नंबर वन खिलाड़ी हैं सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब जो क्रिकेट है ICC है, वो कहीं ना कहीं इन स्ट्रोकों को किताबी स्ट्रोक में दर्ज करे, क्योंकि एम्पायर भी परेशान हो जा रहा है जिस तरह से ये स्ट्रोक्स लगा रहे हैं। फील्डर तो परेशान हो ही रहा है, जो गेंद लॉन्ग ऑफ पे जाना चाहिए उसको वो फाइन लेग पे लगा रहे हैं, स्क्वायर लेग पे लगा रहे हैं, चाहे वो हेलीकॉप्टर स्ट्रोक हो, चाहे 360 डिग्री घूमकर खेलने की बात हो। कल का मैच बहुत अद्भुत है, कल भारत अगर जीतता है तो वो सीधे फाइनल में पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। हाई वोल्टेज ड्रामा वाला मैच होता है, आपने देखा था कि पिछले जो मैच था किस तरह से लगा था कि भारत संकट में है, लेकिन आप देखते हैं यही रोमांच होता है। पूरी दुनिया, पूरा विश्व जब भारत और पाकिस्तान का मैच होता है तो वो किस तरह से टीवी के सामने खड़े होकर एकदम पूरे मैच को वो देखता है, पूरी रोडे शांत हो जाती हैं। और आज न्यूजीलैंड को पाकिस्तान ने हरा कर फाइनल में जगह बना ली है, और कल जो भारत का मैच इंग्लैंड से है, इंग्लैंड में मार्क वुड जैसे तेज गेंदबाज हैं, मार्क वुड जो कि सबसे ज्यादा इस T20 में सबसे तेज उन्होंने गेंदबाजी की है, 154 से 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से T20 के अच्छे प्लेयर हैं उनके पास। भारत भी मजबूत चल रहा है, लेकिन जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा चर्चा है, जिस खिलाड़ी की सबसे ज्यादा लोग सर्च कर रहे हैं, जो टीम सबसे ज्यादा, अगर भारतीय सारे खिलाड़ी हैं लेकिन जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, कोच और गेंदबाज मिलकर सबसे ज्यादा तैयारी कर रहे हैं, वो है सूर्य कुमार यादव। सूर्य कुमार यादव ने किस तरह से देखा, बांग्लादेश के खिलाफ उन्होंने खेला, साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, नीदरलैंड के खिलाफ खेला सूर्य कुमार यादव ने। तो सूर्य कुमार यादव की चमक कल देखने के लिए भारत परेशान होगा, पूरी दुनिया परेशान होगी किस तरह से वो बैटिंग करते हैं। सूर्य कुमार यादव वाकई बहुत ही शानदार बैटिंग कर रहे हैं। जाते जाते वीडियो का अंत करते करते हम एक बार फिर उनके स्ट्रोक को आपको दिखाना चाहते हैं। जरा देखिए मेरे बाईं साइड किस तरह से गेंदबाजों को असहाय कर देते हैं और कुटाई कर रहे हैं।
ये है सूर्य कुमार यादव की क्षमता। सूर्य कुमार यादव इस समय T20 के एक नंबर के खिलाड़ी हैं और खेलने का तरीका ऐसा है कि गेंदबाज सोचने लगता है, दिन तो इनके अच्छे चल रहे हैं, प्रचंड फॉर्म में चल रहे हैं, कि ये कैसे गेंदबाजी करे यार, कर भी गेंद फेंके तो वो किसी भी तरफ खेल सकते हैं, अगर शॉर्ट पिच के गुड लेंथ या फिर आप इन स्विंग यार कर फेंकेंगे, अपराइट सिम से अगर गेंद को करते हैं या फिर नकल गेंद फेंकते हैं, तो सारे गेंदों का जवाब सूर्य कुमार यादव के पास है। तो कल दिल थाम के बैठ, कल अगर भारत जीतती है तो आपको हाई वोल्टेज मैच देखने को मिलेगा पाकिस्तान और भारत के बीच में। तो कल दुआ करेगी पूरी भारत की टीम कि कल भारत बहुत शानदार खेले, शानदार मैच हो और भारत इंग्लैंड को हराकर फाइनल में जाए, और फाइनल में पाकिस्तान को धूल चटाकर, आपने देखा होगा कि किस तरह से भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, लगभग भारत हराता आया है पाकिस्तान को, टीवियां पाकिस्तान में फूटते रहे हैं। तो कल का मैच हम आपको बताएंगे, अपडेट देते रहेंगे कि किस तरह से भारत खेला, लेकिन जो नजर होगी, सबसे ज्यादा नजर होगी वो होगी सूर्य कुमार यादव पे। नमस्कार।